गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल मुझे पिगमेंटेशन पे बहुत सारे कमेंट्स मिले थे, कल भी और दो दिन पहले भी, तो मैं अभी लगा दूंगी। आप वहां से पढ़ सकते हैं उनकी जो फेस पे पिगमेंटेशन और निशान दाग धब्बे थे उनके जो हैं बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। और उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि मैम हमारे चले गए हैं, वो मैं मैसेज लगा लूंगी, आप जरूर पढ़ लीजिएगा उस मैसेज। कमेंट में आपकी जो भी प्रॉब्लम सही हो जाती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर टाइप कीजिएगा। सो आज का जो वीडियो है वो कलर के ऊपर है। इंस्टेड लोग चाहते हैं कि कलर हमारा फेयर हो जाए और हमारा फेस जो है ब्राइट अप हो जाए। और मैं क्या लगाती हूँ वो भी लोग मुझसे पूछने चाहते हैं कि मेरी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा फेयर कैसे है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले मेरा भी जो कलर था वो थोड़ा सा दबा हुआ था, मतलब इतनी ज्यादा ब्राइटनेस फेस पे नहीं थी, ना ही इतना ज्यादा ग्लो मेरे फेस पे। जो वीडियो लेकर आई हूँ वो इसी पर ही है, हम अपने स्किन के कलर को किस तरीके से टेक्सचर को सुधार सकते हैं, ब्राइट अप कर सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं। और अपने खाने में आप जरूर ध्यान रखिएगा, विटामिन सी वाले फूड्स आपको लेने हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारी स्किन की देखभाल करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और इम्यूनिटी बूस्टर है एक तरीके का, तो वो आप जरूर लीजिएगा। और जितने भी फ्रूट्स आती हैं, सब्जी आती हैं, वेजेज आती हैं, वो आप अपने खाने में जरूर शामिल रखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैंने एक खाली बॉयल ले लिया है, तो मैं इसके अंदर जो देखिएगा सबसे पहला जो मेरा इंग्रेडिएंट होगा वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी की ब्रिक अगर आपके पास है उसे पीस लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं तो मार्केट वाली देखिएगा, मेरे पास जो है मार्केट की है, पीसी भी है आपके पास, अगर ब्रिक्स है आप उसे पीस के रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे फेस के अकॉर्डिंग एक चम्मच के करीब मैं इसे ले लूंगी। ऑयल में मैं ये एक चम्मच के करीब में मुल्तानी मिट्टी ले लेती हूँ, मुल्तानी पाउडर हमें ले लेना है। जो मेरा सेकेंड इन्ग्रीडियंट होगा वो है दही, उसके करीब यहाँ पे एक से दो टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड करूंगी। तो दही जो है हमारी स्किन को एक मॉइस्चराइज का काम करता है, स्किन को वो ब्राइट अप भी करता है, ग्लोइंग भी करता है। तो मैंने दो चम्मच के करीब इसमें दही जो है वो ऐड कर दी है, वो है एलोवेरा फ्रेश जेल। तो एक चम्मच के करीब मैंने इसमें जो है मिक्सी में पीस लिया था, तो मैं यहाँ एक चम्मच के करीब यहाँ पे एलोवेरा फ्रेश जेल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इन सबको अच्छे से जो है मिक्स कर दूंगी। ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके का थिक पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। जो हमारा एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है वो है लेमन। अगर आपको लेमन नहीं सूट करता है तो आप उसकी जगह पर जो है ऑरेंज ले सकते हैं, यानी कि संतरा ले सकते हैं, नींबू सूट नहीं करता। तो मैं आज जो है वो देखिएगा नींबू वो ऑरेंज ले रही हूँ। तो मैं इसे हैंड से ही इस तरीके से स्क्वीज कर लूंगी। ये देखिएगा इस तरीके से एक चम्मच स्पून के करीब आप इसमें जो है संतरे का जूस डाल सकते हैं, यानी कि ऑरेंज जूस डाल सकते हैं। अगर आप लेमन ले रहे हैं तो केवल आपको जो है हाफ टेबल स्पून ही डालिएगा। और मैं यहाँ पे एक चम्मच के करीब मैंने संतरे का जूस ले लिया है, और मैं इन सबको अच्छे से जो है मिक्सअप कर लूंगी। और जो ऑरेंज जूस होता है वो हमारी स्किन के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, निशान और ब्राइट अप करता है, एकदम से फ्रेश करता है हमारे फेस को। तो आपका फेस जो है वो क्लीन अप पहले से होना चाहिए अगर आप इस फेस पैक को लगा रहे हैं, और इसे आप मॉर्निंग में डेली लगाइएगा, फिर अपने स्किन पर देखिएगा, या किसी भी समय आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किन का कलर है वो एकदम से फेयर होना आपका शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा ये जो है इस तरीके का एक पेस्ट हमारा जो है फेस पे लगाने के लिए रेडी हो गया है। स्किन बहुत अच्छी होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अगर आप ड्राई स्किन रखते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई आपकी स्किन है, तो आप इसमें एलमंड ऑयल जो है वो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप विटामिन ई का एक कैप्सूल ले सकते हैं, उसको ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अब जैसे समर्स है तो समर्स में खुद ही इतनी ज्यादा ऑयली स्किन हो जाती है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप ड्राई रखते हैं स्किन तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से फिंगर की हेल्प पे जो है मैं इस तरीके से इसे फेस में जो है अप्लाई कर लूंगी। आप इसको फेस पैक को आपको जो है दिन में एक बार जरूर लगाना है अगर आप चाहते हैं कि आपका फेयर जो है एकदम से ब्राइटर हो जाए और गोरा हो जाए रंग आपका, तो आप इस फेस पैक को एक बार जरूर लगाइएगा दिन में। ये देखिएगा दाग धब्बे भी आपके फेस के दूर करेगा। इस तरीके से मैं इसे पूरे फेस में अप्लाई कर लूंगी। ये देखिएगा अभी ये गीला है, तो मैं इसे इस तरीके से अपने फेस को क्लीन अप करूंगी बिल्कुल स्लो मोशन में। आपको जो है इस तरीके के स्टेप्स करने होते हैं बिल्कुल स्लो मोशन में, बिल्कुल इजीली आपका जो फेस पे हैंड है बहुत इजीली चलना चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरीके से जितनी भी जो हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होंगे वो सब इसी पैक से ही रिमूव आपके आउट हो जाएंगे।
और अब मैं इसे जो है 15 टू 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद देखिएगा फैन में इसे बिल्कुल भी मत सुखाइएगा, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल जो है आप इसे सूखने के लिए टाइम दीजिएगा, 15 टू 20 मिनट आपको इसे सूखने के लिए टाइम दे देना है। आपको जब आप अपना वॉश आउट करेंगे तो आपको नॉर्मल वाटर से इस तरीके से वॉश आउट आपको कर लेना है, पानी से सिंपल वाटर से आपको धो लेना है अपना फेस। आप इस तरीके से करेंगे तो जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, ब्राइट अप हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।